अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का शुक्र है और अल्लाह ताला का फरमान है, जिसने जिद्दोजहद की उसको मैं उसका समर दे दूंगा। समर का मतलब है उसका 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 मैं उसका फल उसको दे दूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह हम जिद्दोजहद कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं और लोगों से अपनी बातें कर रहे हैं। अब लोगों के हाथ में है कि were we able to convince them or not, तो इंशाल्लाह 20 तारीख को तो सबको पता चल जाएगा इंशाल्लाह। सर, नॉर्थ कश्मीर की अगर बात करें तो कांटे का मुकाबला देखा जा रहा है, चीफ मिनिस्टर जगह चुके हैं, वो खुद आए, तो इंजीनियर रशीद के फर्जन भी काफ़ी ज़मीनी सतह पर सरगर्म नज़र आ रहे हैं, तो क्या आने वाले वक्त में मुकाबला थोड़ा सख्त होने जा रहा है? देखिए, बारामूला में 23 कैंडिडेट उठे हैं, उसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस भी है, उसमें अपना PDP भी है, उसमें बाकी भी जमाते हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा आप क्यों 2 या 3 शख्स की बात कर रहे हैं, बाकी भी तो लोग हैं, उनके भी तो वोट होंगे। आप किसके माबेन तक मुकाबला मानते हैं? देखिए, इस वक्त जो ज़मीन पर हम देख रहे हैं, हमें लग रहा है कि मुकाबला इस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ ही है, तो चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, फर्स्ट क्लास चल रहा है। तो आप पूरी उम्मीद है कि उन्हें मात दे देंगे? इंशाल्लाह, देखिए ये तो सब कुछ आपको पता चल जाएगा 20 तारीख को ही, क्योंकि जब शाम को जो वोटिंग स्लिप्स आ जाएंगी तो उसी वक्त तकरीबन हम आपको नतीजा डिक्लेयर करके देंगे। आपको 4 तारीख तक रुकने की बात नहीं है।